स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। आमीन। आप तैयार हो के आए हो, आपकी स्पिरिट ये बता रही है कि आप बिल्कुल तैयार हो ग्रहण करने के लिए। अपनी कॉपी अपने पेन निकालेंगे, निर्गमन 12 उसकी 5 से 12 आयत अपनी कॉपी अपने पेन पे लिख के साथ लिखेंगे। पहला कुरंथिया 5 उसकी 7 आयत, यहूना 1 उसकी 29 आयत, यहूना 19 उसकी 31 से 33 आयत, पहला पत्रस 1 उसकी 18 से 19 आयत। मैं फिर से पढ़ता हूं, निर्गमन 12 उसकी 5 से 12 आयत, पहला कुरंथिया 5 उसकी 7 आयत, यहूना 1 उसकी 29 आयत, यहूना 19 उसकी 31 से 33 आयत, पहला पत्रस 1 उसकी 18 से 19 आयत। कर लिया नोट सबने? इफिसियों 1 उसकी 7 आयत, प्रेरितों के काम 14 उसकी 22 आयत, दूसरा तिमोथियुस 3 उसकी 12 आयत, मत्ती 22 उसकी 36 से 40 आयत, प्रकाशित वाक्य 5 उसकी 5 से 10 आयत। फिर से पढ़ता हूं मैं, इफिसियों 1 उसकी 7 आयत, प्रेरितों के काम 14 उसकी 22 आयत, दूसरा तिमोथियुस 3 उसकी 12 आयत, मत्ती 22 उसकी 36 से 40 आयत, प्रकाशित वाक्य 5 उसकी 5 से 10 आयत। पहले दिन से जब आदम ने पाप किया, परमेश्वर की मंशा आदम को छुटकारा देने की थी। और बाइबल कहते कि परमेश्वर ने जब पूछा आदम तू कहां है, और आदम कहता कि मैं वो छुप गया। और जब परमेश्वर ने कहा कि तू क्यों छुप गया था, उसने कहा मैं नंगा था इसलिए मैं छुप गया। तो परमेश्वर ने कहा तुझे किसने बताया तू नंगा है, तूने पाप किया है क्या? उसने कहा हां, मैंने वो फल खाया जो तूने खाने के लिए मना किया। और बाइबल कहती है कि आदम ने अंजीर के पत्तों के साथ एक लंगोट बनाकर अपने नंगेपन को ढांप लिया, और परमेश्वर ने उसको पकड़ा और बाइबल कहती है उसे चमड़े के अंग रखे पहनाए। वो चमड़ा कहां से आया? वो चमड़ा एक भेड़, एक मेमना कुर्बान किया गया, और उस मेमने की खाल से उस नंगेपन को ढक दिया गया। परमेश्वर के बताने का मकसद यह था कि तुम अपने कर्मों से, चाहे वो अच्छे हों, चाहे तुमने अपनी पूरी संपत्ति गरीबों को दे दी हो, तुमने 15,000 करोड़ रुपया दान दिया हो, तुमने अपने अपने ब्लड से लाखों लोगों का वो डोनेशन दी हो, फिर भी तुम अपने नंगेपन को, अपने पाप को खत्म नहीं कर सकते जब तक भेड़ कुर्बान ना हो, जब तक मेमना कुर्बान ना हो, जब तक मैं तुम्हारे गुनाहों को ना ढकूं, जब तक मैं तुम्हें माफ ना करूं, तुम्हारे अच्छे किए गए कर्म तुझे मेरे पास नहीं लेके आ सकते। और बाइबल कहती है कि पहले दिन ही यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया गया था, और उसके उसके चमड़े से बाइबल कहती है आदम और हवा को कपड़े बनाकर दिए गए थे। और ये प्रोफेसी थी कि आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तुम्हारी शर्मिंदगियां और पाप खत्म कर दिए जाएंगे, कि परमेश्वर यीशु मसीह तुम्हारे लिए मारे जाएंगे, और उसके मारे जाने के द्वारा तुम्हारे गुनाह खत्म होंगे और तुम्हारी शर्मिंदगियां ढक दी जाएंगी। जो वचन की आयतें मैंने पढ़ी हैं आपके लिए, ये लगातार 2 हफ्ते चलेगा। आज भी प्रभु भोज होगा, अगले हफ्ते भी प्रभु भोज होगा, और थर्सडे भी होगा, अगले थर्सडे भी है। 4 मीटिंग में हम लहू और परमेश्वर की बात करेंगे, और डिलीवरेंस के बहुत करीब आप पहुंच जाएंगे, बहुत करीब आप पहुंच जाएंगे। क्योंकि इस वचन को समझने के लिए आपको आत्मा चाहिए। सदूकी और फरीसी भी बहुत वचन सुनाते थे। बोलो अपने पड़ोसी को, सदूकी और फरीसी बहुत वचन सुनाते थे लेकिन वो परमेश्वर से दूर थे। हालेलुया। बोलते कि चंगियाई नहीं करनी है, दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल रहे, व्यवस्था सिखाओ, वचन सिखाओ,
चंगियाई नहीं करनी, और उन्हें लगता था कि वो परमेश्वर के दास हैं, लेकिन वो परमेश्वर के दास नहीं थे, वो सदूकी थे और फरीसी थे, जैसा आज भी हैं। अपने आप को बोलते पास्टर्स हैं, क्रिश्चियन हैं, लेकिन वो पास्टर्स क्रिश्चियन नहीं, वो आज भी वही सदूकी और वही फरीसियों की आत्माएं हैं जो उनमें से बोलती हैं। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने वाले अन्य जाति नहीं थे, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने वाले व्यवस्था सिखाने वाले लोग थे, वचन सिखाने वाले लोग थे, जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया था, व्यवस्था सिखाने वाले, जो कहते थे कि जो मूसा ने कहा है वो मानो, जो पवित्र आत्मा कहता है उसे हम नहीं सुनेंगे। चंगाई नहीं करना वो चेले करते थे, दुष्ट आत्मा को नहीं निकालना, लोग जैसे आए वैसे बीमारियों में चाहे मर जाएं, दुष्ट आत्मा में मर जाएं, पर निकालनी नहीं है। परमेश्वर ने कहा वो आत्मा आज भी आज्ञा नाम मानने वालों में काम करता है। आज आप आजाद भी होंगे, आप कलाम भी सीखेंगे, आप डिलीवर भी होंगे, आप जंगे भी होंगे, पूरा गॉस्पल सुनाया जाएगा आपको आज, आधा अधूरा नहीं। अगर खुदा ने दोनों आंखें दी हैं तो अंधों में काना राजा बनने की जरूरत नहीं है, पूरी दोनों आंखों से राजा बनो। हालेलुया। जब तक कोई तुम में नहीं था कोई दो आंखों वाला तो तुम राजा थे, क्योंकि तुम काने थे। अब दो आंखों वाला कोई आया तो तुमको अभी बुरा लग रहा है। निर्गमन 12 उसकी 5 से 12 आयत। यह उस समय की बात है जब मूसा को परमेश्वर ने कहा, मूसा मेरे लोगों को ले जा और इन्हें मिस्र से आजाद कर। पहले मूसा माना नहीं, फिर एंड में मान गया और वहां पे गया। इमेजिन करो बाइबल में मैं आज परमेश्वर ने मुझ पे प्रकट किया अभी राइट नाउ ऑफिस में, कि क्यों परमेश्वर ने इतने चमत्कार उस राजे को फिरौन को दिखाए। पहले सांप का लाठी का सांप बन जाना, हाथ कोड़ी हो जाना, नदी का लहू पानी बना देना, पानी लहू बना देना, मेंढकों का निकल के आना, टिड्डियों का निकल के आना, डांसों का निकल के आना, फफोलों का, फोड़ों का, पशुओं के ऊपर निकलना, आसमान से बर्फ और आग इकट्ठे बरसना, इस तरह के कई तरह के परमेश्वर ने चमत्कार उनको दिखाए। मालूम है क्यों दिखाए? परमेश्वर दो चार दिखा सकता था, लेकिन इतने मिरेकल परमेश्वर ने फिरौन को क्यों दिखाए? और बाइबल कहती है बार बार फिरौन के मन को कठोर परमेश्वर कर देता था, हर बार वो चमत्कार देख के बोलता था हाँ मैं अब की बार इन लोगों को आजाद कर दूंगा, और जैसे ही फिर से वो हटती थी बीमारी बोलता कि नहीं इनको मैं आजाद नहीं करूंगा। परमेश्वर ने कहा मैंने जान बूझ के उनके मनों को कठोर कर दिया। कारण पता क्या था? कारण था डिलीवरेंस, कारण था परमेश्वर अपने लोगों को आजाद करना चाहता था। आप बोलोगे ये कैसे? परमेश्वर ने कहा मूसा इन लोगों को बोल, 5 आयत में लिखा तो, कि एक मेमना लेना है, तुम्हारा मेमना निर्दोष और एक वर्ष का नर हो यानी मेल हो, चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से लेना, और महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और गोधूलि यानी शाम के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करना, उसके लहू में से कुछ लेकर जिस घरों के लोग मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरों पर लगा देना, उसके मांस को उसी रात आग में भूज कर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाना। जो लोग जिनको परमेश्वर ने अब छुड़ाना था, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए तैयार हूं, अब तुम एक मेमना लोगे और उस मेमने को, तुम एक वर्ष का मेमना लोगे और उस मेमने को शाम को कुर्बान करोगे और उसे खाओगे। अगर परमेश्वर बहुत सारे चमत्कार राजा फिरौन के ऊपर ना दिखाता, मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस रीति और इस रस्म में जो सारे इजरायली शामिल हुए थे उनमें से 50% मिस हो जाते। परमेश्वर ने इतने मिरेकल्स दिखाए, इतने मिरेकल्स दिखाए, इतने मिरेकल्स दिखाए कि उनको मालूम था कि अगर परमेश्वर कहता है कि तुम इस बकरे को खाने से आजाद हो जाओगे तो ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि हमने ओलों के साथ आग बरसती देखी है। हमने देखा जब अंधेरा हुआ तो हमारी बस्ती में अंधेरा नहीं हुआ लेकिन पूरे मिस्र में अंधेरा हो गया। जब उसने कहा कि ओले बरसेंगे और तुम्हारे पशु मर जाएंगे, वो सामने
वो मोहल्ले के सारे पशु मर गए, लेकिन इस मोहल्ले जहां इजरायली रहते थे एक भी पशु नहीं मरा। उन्होंने अनकाउंटेबल मिरेकल्स को देखा, उन्हें मालूम था कि मूसा सच्चा दास है और यहोवा सच्चा परमेश्वर है, और जो ये कहेगा वो होगा। और तब मुझे समझ आया कि क्यों परमेश्वर ने इतने मिरेकल्स दिखाए और बार बार राजा के मन को कठोर किया, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि अगर मैं एकदम से इनको बोलूंगा कि सारे जाने मेमना खाओ, उस रात बहुत से लोग दारू पीने में चले जाएंगे। बहुत से लोग बोले ये क्या बकवास कर रहा है मूसा, ये क्या मेमना शेमना खाने के लिए बोल रहा है, हम नहीं आएंगे। और जो बिलीव करते वो छूट जाते और आधे पीछे रह जाते। उनके मनों को तैयार करने के लिए परमेश्वर ने कितने मिरेकल्स मिस्र में दिखाए। पानी का लहू बनना आसान बात नहीं। मिस्र देश के 97% पॉपुलेशन उस पानी पे निर्भर करती है आज भी। पढ़ो नील नदी की हिस्ट्री, आज भी उस देश के 90% से ज्यादा जनसंख्या उस नील नदी के किनारों में रहती है। और जब मूसा ने उस नील नदी के पानी पर मारा, हारून ने मारा, तो वो लहू बन गया और पानी पीने के योग्य नहीं था। हजारों किलोमीटर की नदी लहू बन गई थी। इतने बड़े बड़े चमत्कार देखने के बाद उनको मालूम था कि अब अगर परमेश्वर कुछ कहता है उसमें सेंस भी है और उसमें छुटकारा भी है। आमीन। और जब उन्होंने कहा कि तुम्हारा जब तुम मेमना का खाने के लिए बैठोगे तो उसकी विधि में तुम्हें सिखाता हूं। हमें लगता है परमेश्वर हमें मांस खाने के लिए कह रहे हैं, ऐसा नहीं, वो हमें कुछ सिखा रहा था। उन चंद लाख लोगों में से परमेश्वर एक एग्जाम्पल तैयार करके आने वाले लाखों करोड़ों लोग, जो हम इस समय 800 करोड़ दुनिया में पहुंच जाएंगे, जिनमें से 350-370 करोड़ ऑलरेडी यीशु मसीह को मानते हैं। परमेश्वर को करोड़ों लोगों की चिंता थी जो आज हम हैं, ताकि उस एग्जाम्पल से परमेश्वर हमें छुटकारे का तरीका बता सके। समझ आ रही है कि नहीं? अब मूसा ने कहा कि तुम्हारा मेमना 1 साल का हो, यानी निर्दोष हो। जैसे बच्चे निर्दोष होते हैं, उन्हें पाप का कुछ नहीं पता। उसने कहा वो मेमना 1 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, पर 1 साल का हो। पहला पत्रस 1:18-19 में लिखा, तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, तुम्हारा छुटकारा सोने और चांदी अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के लहू के, बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। वो 1 साल का मेमना जो निर्दोष था वो कौन था? बोलो प्रभु यीशु मसीह। पत्रस ने कहा तुम्हारा छुटकारा लहू सोने और चांदी ने नहीं किया, तुम्हारी भेंटों ने नहीं किया, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। इसलिए परमेश्वर ने कहा था जो मेमना तुम लोगे वो 1 साल का लो। 8 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने कहा उसके मांस को उसी रात आग में भूजकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाना। अपने पड़ोसी को बोलो अखमीरी रोटी, अपने पड़ोसी को बोलो कड़वा साग पात, फिर से बोलो अखमीरी रोटी, और फिर से बोलो कड़वा साग पात। आमीन। कड़वा साग पात जो मिस्र में लोग थे, इसराइली लोग थे, वो किसी ने बंद गोभी खाई है? कड़वी वाली अमेरिका में मिलती है या कहीं और, यहाँ भी कहीं मिलती है, खाई है कि नहीं? वो लेटस होती है, थोड़ी कड़वी होती है, वो सैलड कड़वा होता थोड़ा सा। परमेश्वर ने कहा जब तुम मेमना खाओगे तो कड़वे साग पात के साथ खाना। मेमना खाना मतलब छुटकारा लेना, हाँ या ना? पर मेमना खाने की विधि है, मेमना खाने का तरीका है। उसने कहा जब तुम यीशु मसीह को ग्रहण करना, मेमना खाने का मतलब क्या है? यीशु मसीह को ग्रहण करना अपने उद्धारकर्ता के रूप में। उसका मतलब ये नहीं आप घर जाके आज बकरा बना लो। आप मीट नहीं खाते कोई प्रॉब्लम नहीं, ना तो बाइबल खाने के लिए बोलती है ना खाने के लिए बोलती है। आप समझ रहे कि नहीं? मेमना खाने का मतलब क्या है? यीशु मसीह को ग्रहण करना। कहता जब तुम मेमना खाओ,
जब तुम जीसस क्राइस्ट को ग्रहण करो तो कड़वे साग पात के साथ खाना, इसका मतलब तुम परसिक्यूशन के साथ, कड़वा साग पात मतलब जब तुम मेमने को ग्रहण करोगे तुम्हें कड़वाहट फील होगी, लोग तुम्हें बुरा कहेंगे, लोग तुम्हें सताएंगे, लोग कड़वी बातें बोलेंगे। तुम अगर कड़वे साग पात के साथ मेमना नहीं खाओगे तो तुमने विधि को पूरा नहीं किया है। मेमना खाने की विधि क्या है? मेमना निर्दोष हो। मेमना क्या हो? लाखों कुर्बानियां हुई होंगी, खुदा के दासों ने भी दी हैं, लोगों ने भी दी हैं, हजारों लाखों कुर्बानियां हुई हैं, हाँ, पर उसने कहा ये वाली कुर्बानी जो निर्दोष उस जन की होगी जो मां और बाप से नहीं, सिर्फ मां से आया होगा और निर्दोष होगा। कहता उस मेमने को तुम खाना पर कड़वे साग पात के साथ। जब तक तुम पूरी विधि के साथ उसको नहीं खाओगे तुम आजाद नहीं होंगे। एक फैसला पहले करना होगा कि क्या मैं इन बीमारियों में खुश हूं, क्या मैं इन गरीबी में खुश हूं, क्या मैं रोज के कलेश से खुश हूं, क्या मैं अपने घर की रोज की झिकझिक, अपने डिप्रेशन से, दुष्ट आत्मा के अटैक से खुश हूं। अगर तो मैं खुश हूं तो फिर रहन तो छोड़ो मेमने को, और अगर मुझे फ्री होना है तो याद रखो फिर लोगों की बातें नहीं सुननी है। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि जब तुम मेमना खाओ तो तुम्हें मीठा साग पात, तुम्हें मीठी रोटियों के साथ खाना है। उसने कहा जब तुम मेमना खाओगे तुम्हें कड़वा साग पात साथ खाना पड़ेगा, कड़वा साग खाना पड़ेगा, मेमने के साथ तुम्हें कड़वा साग लेना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा जितने भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 5 उसकी 7 आयत को मैं पहले पढ़ूंगा, उसमें लिखा पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो और नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ, क्योंकि तुम अखमीरी हो और हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। सब बोलो आमीन। उसने कहा जब तुम मेमना खाओगे तो अखमीरी रोटी के साथ खाना। किसके साथ खाना है? अखमीरी यानी खमीर नहीं लगा होना चाहिए। जब तुम मेमना खाओगे तो तुम्हारी रोटी अखमीरी होनी चाहिए, उसमें खमीर नहीं होना चाहिए। और नया नियम में लिखा कि पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को क्या करो? शुद्ध करो। जब तुम मेमना खाओ तुम्हें बपतिस्मा तुम्हारा हुआ होना चाहिए। जब तुम मेमना खाओ तुम्हारे अंदर व्यभिचार का आत्मा नहीं होना चाहिए। जब तुम मेमना खाओ तुम चोर नहीं होने चाहिए। जब तुम मेमना खाओ तुम मूर्ति पूजक नहीं होने चाहिए। जब तुम मेमना खाओ तुम गालीबाज, तुम चुगलियां करने वाले, निंदा करने वाले, ये लोग तुम नहीं होने चाहिए। उसने कहा अपने खमीर को निकाल कर शुद्ध हो जाओ। अगर वो सिर्फ आटे की बात कर रहा होता पुराने नियम में तो नए नियम में वो हमें खोल के ना बताता। निर्गमन का वचन 5000 साल पुराना है, ये वचन 2000 साल पुराना है। 3000 साल बाद भी अगर ये वचन लिखा गया तो उसने कहा पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो और नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ, क्योंकि तुम अखमीरी हो और हमारा फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। सब बोलो आमीन। जब तुम मेमना खाओगे तो अखमीरी रोटी के साथ खाना, तुम्हारे अंदर खमीर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो छुटकारा काम नहीं करेगा। अगर तुम छुटकारा चाहते हो तो तुम्हें विधि के साथ मेमने को खाना होगा। जब तुम प्रभु भोज लोगे आज, ये सिर्फ एक क्रिश्चियन रीति रिवाज नहीं है कि परमेश्वर ये रोटी नहीं तेरा शरीर है, ये जूस नहीं तेरा ब्लड है। नो, आप ये मान रहे हो कि आज आप अपने खमीर को निकालकर अपनी तौबा में जाकर आप कड़वे साग पात के साथ, यानी आप ये स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि आप सताव के साथ, दुखों के साथ भी यीशु मसीह को खाने के लिए, ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। दूसरा तिमोथियुस 3 उसकी 12 आयत में लिखा पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। उनमें से कोई हां क्या बोलो तो कहता अगर यीशु मसीह के साथ तुम भक्ति में जीवन बिताना चाहते हो तो वो सब सताए जाएंगे।
उसी सताने को परमेश्वर बोल रहे हैं कि जब तुम मुझे खाओगे, जब तुम जीसस को ग्रहण करोगे, जब तुम यीशु मसीह को अपने अंदर लोगे, तो तुम्हें अखमीरी रोटी और तुम्हें कड़वे साग पात के साथ उसे खाना होगा। और अखमीरी रोटी के बारे में वचन क्या कहता है, मैंने आपको बताया है पहला कुरंथिया 5:7 कि पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो। वो आटे की बात नहीं कर रहा, वो किसकी बात कर रहा है, बोलो मेरी बात कर रहा है, आमीन। अगर वो आटे की बात कर रहा था तो पौलुस भी यही कहता कि अपने घरों में से कोई भी आटे में खमीर लगा हो तो मत उसे निकाल दो, अखमीरी रोटियां बनाना और प्रभु भोज में खाना। उसने क्या कहा, वचन में लिखा पहला कुरंथिया 5:7 पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को क्या करो, शुद्ध करो। अपने आप को क्या करना है, किसको निकाल कर, पुराना खमीर ये कहां से आया, वो पुराने मिस्र से जहां से हम निकले हैं, वो सूटा कहता निकाल दो, खत्म कर दो, वो स्पेग वो खत्म कर दो कहता, वो व्हाट्सएप की वो चैट वो सेक्सी बातें परमेश्वर कहता फिनिश कर दो, वो तुम्हें छुटकारा नहीं लेने देंगे। कहता तुम अपने आप को शुद्ध करो, पुराना खमीर निकाल दो। आज क्रिश्चियन होके भी अगर बंधनों में रहना है, क्रिश्चियन होके भी अगर बीमारियों में मरते रहना है, क्योंकि हम पुराना खमीर निकालने के लिए तैयार नहीं। हमें इतना हयाव है कि हम उसी वेश्या के साथ जिसके साथ हम सोते हैं चर्च में आकर वचन सुन सकते हैं और बाद में वही काम फिर कर सकते हैं और परमेश्वर के क्रोध के लिए अपने आप को हम तैयार कर रहे हैं। जैसे अगर जब बकरे ने कटना होता ना तो उसके घर वाले जब खिलाते और पिलाते बकरे को लगता है वाह वाह मौज ही मौज है और खवाओ मैनू, पर उसे मालूम नहीं उसे कटने के लिए तैयार कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा तुमने इस संसार में बड़ा ही सुख भोगा और अपने आप को लास्ट के दिन में कटने के लिए मोटा और ताजा किया है। उसने कहा अपने खमीर को निकाल कर अपने आप को क्या करना है, शुद्ध करना है। कहता अपने आप को, किसको, आटे को नहीं बोल रहा परमेश्वर, दोबारा पढ़ेंगे उस आयत को, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो और नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसे जो मसीह है बलिदान हुआ है। और निर्गमन के उस वचन को पढ़ेंगे फिर से 8 आयत को, कहता उसके मांस को उसी रात आग में भूज कर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाना, उसको सिर पैर आंतड़ियों समेत आग में भूज कर खाना, कच्चा या जल में पकाकर कुछ ना खाना। जब परमेश्वर के सामने लोग बलिदान करते थे तो किडनीज नहीं खा सकते थे, किडनीज और लीवर के पास जो चर्बी होती है उसको नहीं खा सकते थे, पता है कि नहीं पता, पुराने नियम में ऐसे ऑर्गन थे जो तुम नहीं खा सकते थे, तुम कुछ हिस्से थे बॉडी के जो तुम खा सकते थे। तो ये इसराइलियों के लिए बड़ी हैरानी वाली बात थी कि परमेश्वर कह रहा था कि सिर पैर आंतड़ियां सब कुछ समेत तुम उसे खाओगे। नहीं आ चंगियाई वाला मैनू दे दियो पार्ट, आ परसीक्यूशन वाला तू ही रख लो, हाँ आ हीलिंग वाला मैनू दे दियो, आ विरोध वाला ना ये तू ही रखो, आ लैण वाला मैनू दे दियो ते बोण वाला तू ही रख लो। परमेश्वर ने कहा ऐसे छुटकारा नहीं होगा, जब तुम मेमना खाओगे तुम्हें उसका सिर उसके पैर उसकी आंतड़ियां समेत और आग में भूज कर, ये एक प्रोफेसी थी कि जब यीशु मसीह की कुर्बानी होगी वो एक आम कुर्बानी नहीं होगी बल्कि उसे पूरी तरह से फायर में से गुजरना पड़ेगा ताकि वो वचन पूरा हो कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं पर मेरे बाद आएगा वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बैप्टाइज करेगा। उसने कहा वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, पता है क्यों, उसने वो आग से लिया था इसलिए तुम्हें वो देगा। आज हर एक जन जो इस छत के नीचे मौजूद है पवित्र आत्मा की अग्नि के साथ बपतिस्मा लेके वापिस आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग तुम्हारी है। उसने कहा कि तुम यीशु मसीह जब तुम मेमने को खाओगे तो उसे आग में भूज कर खाना,
क्योंकि ये एक प्रोफेसी होगी कि प्रभु यीशु मसीह अग्नि के जैसे परीक्षा में से निकलकर तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। और उसे सिर पैर आंतड़ियां, लोग बोलते हैं अच्छा ये तो खाने में मना किया है, हम तो चर्बी नहीं खा सकते, किडनी नहीं खा सकते, ये अंग नहीं खा सकते, वो अंग नहीं खा सकते, परमेश्वर ने हमें कुछ कुछ चीजें खाने के लिए मना किया। परमेश्वर ने कहा नहीं, ये मेमना वो नहीं जो तुम मीट की तरह खाते हो, ये मेमना मेरा बेटा है प्रभु यीशु मसीह, तुम्हें पूरा का पूरा लेना पड़ेगा इसको। तुम नहीं कह सकते कि नहीं ये वाला हिस्सा मैं नहीं लूंगी, ये वाला हिस्सा मैं लेने के लिए तैयार हूं, मैं यीशु मसीह को सारी दुनिया में ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हूं, पर मैं उसकी चंगाई को चाहती हूं, मैं ये काम करने के लिए तैयार नहीं हूं, पर मैं बरकत को चाहता हूं, मैं चाहता हूं मेरा बेटा नशे छोड़ दे, पर ये वाला काम मुश्किल है। परमेश्वर ने कहा तो छुटकारा नहीं होगा। इसीलिए क्रिश्चियनिटी में जो रियल छुटकारे वाले लोग हैं, जिन्होंने खुद छुटकारा लिया है, अपने परिवार के अंदर छुटकारे को ट्रांसफर किया है, लाखों लोगों को छुटकारे के अंदर भेजा है, वो लोग हैं जिन्होंने पूरी तरह से परमेश्वर के वचन को माना है और चले हैं वचन के ऊपर। उसने कहा जब तुम मेमना खाओ तो अखमीरी अखमीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाना, यानी जब तुम यीशु मसीह को ग्रहण करो अपने आप से खमीर को निकाल देना, जो गंदगी तुम्हारे अंदर है उसे निकाल देना, नया गूंथा हुआ आटा अखमीरी बन जाना और उसे कड़वे सागपात के साथ खाना, उसे प्रोसिक्यूशन के साथ खाना। सताव आए तो डरना मत, जितने मसीह के साथ भक्ति में जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे, तुम परवाह मत करना, क्योंकि उसके आगे एक ऐसा छुटकारा है जो तुम्हें कोई नहीं दे सकता। वो छुटकारा मैं तुम्हारा होता हुआ देख रहा हूं, वो छुटकारा मैं तुम्हारे परिवारों का होता हुआ देख रहा हूं, वो छुटकारा मैं तुम्हारे फाइनेंस का होता हुआ देख रहा हूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसे आग में भूज कर खाना, कच्चा मत खाना, जल में पकाकर कुछ नहीं खाना। अरे परमेश्वर को क्या इंटरेस्ट है तुम कैसे खाते हो, लेकिन वो कुछ मैसेज दे रहा था आपको कि यीशु मसीह उस फायर के बपतिस्मे से होकर निकलेगा, उस परीक्षा की आग में से होकर वो जाएगा, और इसलिए यूहन्ना ने कहा था मैं तुम्हें पानी से बपटाइज करता हूं, पर मेरे बाद एक आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ओ जीसस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब तुम अपने अपने आप की पिक्चर देखो, वो निर्दोष मेमना और कोई नहीं, इस दुनिया में कोई निर्दोष नहीं सिवाय यीशु मसीह के। वो ऐसा एक लौता था, है और रहेगा जो सिर्फ मां के जरिए आया और पवित्र आत्मा ने उसको गर्भवती किया, क्योंकि वो निर्दोष था, इंसान के ब्लड में पाप था। अगर वो बाप के जरिए आता तो फिर वो भी ब्लड से, आदम और हवा के ब्लड से पापी ठहरता, लेकिन परमेश्वर ने कहा था अगर तुमको छुटकारा चाहिए तो निर्दोष मेमना कुर्बान करना पड़ेगा। मैंने आपको हजारों साल पहले यीशु मसीह के जन्म के बाद पहले का वचन सुनाया, यीशु मसीह के जन्म के बाद का वचन सुनाया, अब मैं आपको हजारों साल बाद या सैकड़ों साल बाद का वचन अब मैं आपको सुनाता हूं। प्रकाशित वाक्य 5 उसकी 5-10 आयत, जिसमें यह साबित होता है जो यीशु मसीह ने वचन में लिखा है, आदि में कौन था, वचन परमेश्वर के और वचन ही, आदि में यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था, क्योंकि वचन कौन है, वचन ने देहधारी देहधार के वो नीचे आया और उसका नाम क्या रखा गया, प्रभु यीशु मसीह। आदि में यीशु था, यीशु परमेश्वर के साथ था और यीशु ही परमेश्वर था। आदम और हवा के टाइम भेड़ कुर्बान की गई, मूसा के टाइम पे एक भेड़ कुर्बान की गई, मेमना कुर्बान किया गया। नए नियम में लिखा कि तुम्हारा जो बलिदान है, जो तुम यीशु मसीह जो निर्दोष मेमना है, निष्कलंक मेमना है, उसके लहू के द्वारा हुआ। और अब हम वो आयत पढ़ेंगे जो अभी पूरी नहीं हुई, ये प्रकाशित वाक्य जो बहुत सालों के बाद पूरा होगा, अभी यीशु मसीह के आने के बाद, शैतान को हराने के बाद, एंड में जब न्याय होगा, ये तब की प्रोफेसी है, तब की लाइन है जो बाइबल में ऑलरेडी लिखी हुई है। अब मैं वो पढ़ूंगा आपके सामने। उन पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह
वह शेर जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मोहरे तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके सात सींग और सात आंखें थी, वे परमेश्वर की सातों आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 2400 प्राचीन, जो 24 प्राचीन थे, उस मेमने के सामने गिर पड़े और उनमें से हर एक के हाथ में वीणा, धूप और पवित्र लोगों की जो प्रार्थनाएं हैं उनसे भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राजा और याजक बनाया है और वो पृथ्वी पर राज्य करते हैं। आने वाले समय में परमेश्वर कहता है कि एक वध किया हुआ मेमना उनके बीच में खड़ा होगा और वो कहेगा कि मैं इन पुस्तकों की मोहरों को, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं, वो कौन है वध किया हुआ मेमना, वो कत्ल किया हुआ मेमना कौन है जो स्वर्ग में है, वो कौन है, बोलो। फिर से पढ़ेंगे उस आयत को, तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, हर एक भाषा, जाति, लोग, अलग अलग धर्मों के लोगों को अपने लहू से मोल लिया है। कैसे रोकोगे तुम लोग, कैसे रोकोगे, अरे कैसे रोकोगे? बाइबल में लिखा हुआ है जब मेमना वध किया जाएगा तो उसने कहा क्योंकि तूने वध होकर, तूने जान देकर अपने लहू से हर कुल, धरती का कोई कुल ऐसा नहीं जो बचेगा, भाषा, लोग, जाति में से परमेश्वर के लोगों को मोल लिया है। किस लिए मोल लिया है? इसलिए नहीं कि उन्हें दुखी कर सके, कहता उसने इसलिए मोल लिया है कि तुम्हें राजा और याजक बना सके, तुम्हें छुटकारा दे सके, तुम राज्य कर सको, तुम राज्य करोगे यीशु के नाम में, बीमारियों के ऊपर यीशु के नाम में, तकलीफों के ऊपर, बीमारी के ऊपर, कर्जे के ऊपर, गरीबी के ऊपर, तुम राज्य करोगे यीशु मसीह के नाम में। आज हम राज्य कर रहे हैं, पता है क्यों? मेरी खुद की इच्छा है, मेरी पर्सनल लाइफ में, ये चर्च का पैसा, मैं ऑफरिंग जो होती है वो मेरा पैसा नहीं, मैं मैनेजर हूं, उसको मैनेज करता हूं, कहां कहां लगाना है, इसलिए हम जल्दी ग्रो हुए हैं, मेरे पास पैसों का हिसाब है, सारा पैसा बैंक में जाता है, तिजोरियों में कुछ नहीं पड़ा हुआ। हालेलुया, आप समझ रहे मेरी बात को? सुनो मेरी बात, उसने कहा अगर आज मैं अपनी लाइफ में चाहूं मुझे 50 चर्चेस और खोलनी है, ये हमारी मर्जी पे भी डिपेंड कर रहा है कि हम कितना स्पीड से बढ़ना चाहते हैं, इसे राज्य करना बोलते हैं। हमें लगता है हमें अभी हमें अपनी प्रार्थना की लाइफ को मेंटेन करना है। अब ऐसा कुछ नहीं है जो हम सोचते हैं कि हम क्या हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर हमें करना है तो हम कर लेते हैं, अगर हमें नहीं करना हम छोड़ देते हैं। और ऐसा ही कब्जा परमेश्वर आपकी लाइफ से, आपकी जिंदगी में आपको देना चाहता है। कारण हम लोग नहीं है, कारण हमारे अच्छे काम नहीं, लिखा वध किया हुआ मेमना। फिर से पढ़ेंगे उसको, क्योंकि वध होकर, तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, हर जाति, हर तरह के लोगों को मोल लिया है। हम यीशु मसीह के लहू से मोल लिए गए हैं, आमेन। अब मुझे यह बात समझनी है कि यहोवा परमेश्वर ने क्यों कहा कि निर्दोष मेमना लेकर उसे कुर्बान करो, उसको खाने की तैयारी करो। खाने का तरीका मैं तुम्हें बताता हूं, खाने की विधि यह है, फिर से पढ़ेंगे निर्गमन, कि उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अखमीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ, सिर पैर आंतड़ियों समेत खाना कच्चा या जल में पकाकर कुछ ना खा, उसमें से कुछ भी सवेरे तक ना रहने देना, यदि कुछ सवेरे तक रह जाए तो उसे आग में जला देना।
परमेश्वर ने कहा जब तुम उसे खाना तो बचा के मत रखना। उसे क्या करना, जितना खाना है वो तभी खाना है। उसे बचा कर नहीं रखना सुबह तक। प्लान नहीं करना फ्यूचर का, खुदा प्लान कर रहा है तुम्हारा। उसे मालूम है कल तुम्हें क्या देना है। यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करो हमारे रोज की रोटी आज हमें। कल की चिंता मत करना, जब तुम मेमने को खाना कल क्या होगा। जी मेरे रिश्तेदार नाम मिले मैनू फिर, आ मेरे गोलू दे व्याह ते कौन आऊ। उसने कहा जब तुम मेमना खाना तो कल की चिंता मत करना। मेमना खाना तो पूरा खा लेना, ये मत कहना कि नहीं अभी मैंने सिगरेट छोड़ दिए, तंबाकू कभी कभी मैं लगा रहा हूं, दारू मैंने छोड़ दी है ना जी, दारू पछाड़ती होते नहीं कदी कदी। परमेश्वर ने कहा ऐसा तुम मत करना और उसे सुबह तक मत छोड़ना। प्लान मत बनाना, चिंता मत करना। तुम्हारा पिता जो कौओं को खिलाना जानता है तुम्हें भी खिलाएगा। तुम चिंता मत करना कल क्या करेंगे, कल क्या होगा। यीशु मसीह को खा लिया तो कल क्या होगा, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे। परमेश्वर ने कहा कल के बारे में मत सोचना। और वही बात यीशु मसीह ने नया नियम में बोली कि तुम ये बात मत कहना कि कल हम क्या करेंगे। यीशु मसीह ने कहा एक अमीर आदमी था, उसने कहा देखो मैं कितना अमीर हो गया हूं, हर साल मेरे खेत बढ़ते जा रहे हैं, तो मैं ऐसा करूंगा इन खेतों की फसल के लिए एक स्टोर हाउस बनाऊंगा, वहां मैं अपनी फसल को रखूंगा और अपने मन को बोलूंगा वाह आराम से चैन कर खा और पी। और परमेश्वर ने कहा हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा और जो तूने ये बटोरा ये किसी और का हो जाएगा। कल की चिंता मत करना, आज का दुख परमेश्वर ने कहा आज के लिए बहुत है। तुम चिंता मत करना कि हम कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। परमेश्वर ने कहा अन्य जातियां भी इन्हीं वस्तुओं की खोज में रहती हैं। जब तुम मेमने को खा लेना तो सुबह के लिए कुछ भी बचा के नहीं रखना, तुम पवित्र आत्मा की गाइडेंस के अनुसार चलना। हालेलुया, ये चर्च आज पवित्र आत्मा के हिसाब से चल रही। इस चर्च के पास कोई 50 करोड़ बैलेंस नहीं है बैंक में कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, ये पूरी तरह रोज की रोटी पे चल रही है। हाँ, और परमेश्वर चला रहा है। उसने कहा तुम कल की चिंता मत करना। जितने चेक्स हम साइन करते हैं, जितने बिल इसके आते हैं, अगर परमेश्वर को बीच से निकाल दिया जाए तो सिर दर्द की गोली खानी पड़ेगी 3 टाइम रोज, सुबह अलग, शाम को, दोपहर को, रात को नींद की अलग। ये होगा कैसे। परमेश्वर ने कहा कल की चिंता मत करना, सुबह तक कुछ भी बचा कर रखने की जरूरत नहीं है। मैं कौओं को देता हूं तो तू मेरे ब्लड से मोल लिया गया, तुझे भी दूंगा। निर्गमन 5 उसकी 5 से 12 के बीच में आपका पूरा छुटकारा लिखा हुआ है। आज जब लोग हमसे मिलते हैं और बोलते हैं कि यहां इतना ये सब कुछ आप क्या कर रहे हो, कहां से कर रहे हो, और वो हमें देखते हैं कि हमें 1% भी चिंता नहीं, 5 mm की गोली हम नहीं खाते अपनी लाइफ में। पता कितनी होती 5 mm की गोली, हरी दाल के दाने के बराबर। ये हो क्या रहा है, ये कौन सा गोरा आपको पैसे भेज रहा है। मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में शायद एक भी गोरा ना हो। अगर यीशु मसीह का रंग गोरा था तो भेज तो गोरा ही रहा है। हालेलुया।
चाहे वो इसराइल में जन्मे, एशिया में जन्मे, वो अमेरिका में नहीं जन्मे, तो भेज तो गोरा ही रहा है, लेकिन भेज वो अपने हिसाब से रहा है। हालेलुया। तुम सुबह तक उस मेमने को मत छोड़ना, कल की चिंता मत करना, स्ट्रेस मत लेना, मेरे बेटे की शादी पे कौन आएगा, ये मुझे कौन बचाएगा, अगर मैंने सारा कुछ परमेश्वर पे छोड़ दिया, सारा समर्पण कर दिया परमेश्वर को, तो कल को मैं अकेला ना रह जाऊं। उसने कहा ऐसी चिंता मत करना, कूद जाना। मेमने को खाने की विधि है, यीशु मसीह को मानने की विधि है। अगर विधि के अनुसार नहीं खाओगे, विधि के अनुसार नहीं मानोगे, तो तुम्हारा छुटकारा होना पॉसिबल नहीं। वो छुटकारा जो अभी आपके वो रिश्तेदार नहीं दे सकते, वो समाज नहीं दे सकते, कोई धर्म नहीं दे सकता, वो चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, कोई धर्म हो, हम धर्म को नहीं मानते, हम यीशु मसीह को मानते हैं। अगर यीशु मसीह धर्म बनाने आया होता तो हम भी लड़ते, हमारे लाखों करोड़ों फॉलोअर्स लड़ते, फॉरेन में भी हैं वो भी लड़ते, लेकिन यीशु मसीह धार्मिकता को स्थापित करने के लिए आए, धर्म को नहीं। आमेन। उसने कहा तुम मुझे खाओगे, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। मैंने आपको हजारों साल पहले, यीशु मसीह के जन्म के हजारों साल पहले का वचन, आदम के टाइम का वचन, मूसा के टाइम का वचन, यीशु मसीह के बाद का वचन, और आने वाले समय में जो होगा वो वचन पढ़ाया, जो यही कहता है कि जो वध किया हुआ मेमना है उसने आपको मोल लिया है। पर उसने कहा मेरी विधि के अनुसार अगर तुम इसको खाओगे, विधि के अनुसार तुम इसको ग्रहण करोगे, तो तुम छुटकारा पाओगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने फिरौन के मन को बार 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 उसको कठोर कर दिया। इतने मिरेकल्स देखने पर भी वो उसने यकीन नहीं किया। बार बार बोलता था कि ठीक है, इस बार तुम मेंढकों को दूर कर दो, अगली बार मैं तुम्हारे लोगों को जाने दूंगा। मेंढक चले गए, टिड्डियां आ गई, सारा हरा चट कर गई। अब इस बार तुम टिड्डियों को दूर करो, मैं तुम्हारे लोगों को भेज दूंगा। टिड्डियां भेज दी, अब नहीं जाने दूंगा। अब ओले बरस रहे हैं, ओलों के साथ आग बरस रही, पशु मर गए, सारे मर गए। अब ओले दूर हो जाएं, मैं तुमको जाने दूंगा। फिर नहीं जाने दिया। अंधेरा हो गया तो टोलने पर भी एक दूसरे को नहीं पाते थे, और सामने जहां इजरायली रहते थे वहां उजाला था। परमेश्वर ने इतने मिरेकल्स इसलिए किए कि जब लोगों को यह मालूम होगा कि उनके छुटकारे का टाइम निकट आ गया है, और परमेश्वर ने कहा मैं उनको बोलूंगा कि अब तुम इस मेमने को खाना, और उस मेमने के खाने की विधि यह है कि उसके ब्लड को लेकर अपने घर के बाहर लगाना। हालेलुया। वो ब्लड जहां पर मौत का दूत उस ब्लड को देखेगा, वो तुम्हारे घरों में एंटर नहीं करेगा। जब तुम ब्लड को लगाओगे अपने घरों के ऊपर, आत्मा में जब प्रार्थना करने बैठोगे, ब्लड में छुपाओगे अपने बच्चों को, अपने आप को, अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, अपने सिस्टम को, ब्लड की घोषणा करोगे शैतान के खिलाफ, जादू के खिलाफ, टोने के खिलाफ, तुम उस ब्लड को अपनी जिंदगी में लगाओगे, अपने आप को ठगोगे उस ब्लड से, मौत का तुम्हारी जिंदगी पे कोई भी अधिकार नहीं होगा। हालेलुया। उसके आगे पढ़ेंगे, सवेर तक रह जाए तो आग में जला देना, और उसके खाने की विधि यह है, कमर बांधे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए फुर्ती से खाना, वह तो यहोवा का पर्व होगा। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलोठों को, यानी जो सबसे बड़े बच्चे होते हैं पहलोठा उन्हें बोलते हैं, उनको मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा, मैं यहोवा हूं। उसने कहा जब मेमने को खाना तो कैसे खाना, फुर्ती से। कैसे खाना, बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह जब एक नदी के किनारे जा रहे थे, तो परमेश्वर ने यहूना को देखा और उसके भाई को देखा, और परमेश्वर ने कहा आओ मेरे पीछे, मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। बाइबल कहती है उन्होंने फुर्ती से अपने नावों को अपने पिता के पास छोड़ा और यीशु मसीह के पीछे चले गए। कैसे, फुर्ती से। और बाइबल का वचन कहता है कि जब उन्होंने अपने पिता के साथ नाव को छोड़ा, और भी मजदूर उनके साथ काम कर रहे थे। आप कब रखते हो दुकान पे काम करने वाले लोग,
जब आप भूखे मर रहे हो या जब काम ज्यादा हो, जब आपका काम बढ़ जाता है, आप एक और दुकान, एक और दुकान, एक और दुकान, आपको स्टाफ की जरूरत पड़ती हाँ। इस मिनिस्ट्री में 400 लोगों का स्टाफ है जो 24 घंटे काम करता है। क्यों? लोग ज्यादा हैं, काम ज्यादा है, सिस्टम बड़ा है। तो बाइबल कहती है उनके पास बहुत सारे मजदूर थे, और जब इतने मजदूर थे तो उन्होंने ये नहीं कहा कि परमेश्वर आने असी आने माड़ा हिसाब दे डैडी ये देखो इन्नी मच्छियां के पैसे ले लियो हाँ माड़े डैड मम्मी बाय बाय कर रही है माड़े असी अपने दोस्तों बाय बाय कुछ नहीं। यीशु मसीह ने कहा आ जाओ छोड़ा उधर और परमेश्वर के पीछे चले। नए नियम में अगर मैं आपको फुर्ती वर्ड पढ़ाऊं आप हैरान हो जाओगे, जहां जहां यीशु मसीह का जिक्र किया गया वहां कहीं ना कहीं फुर्ती का जिक्र किया गया। जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। देखा यीशु मसीह ने बुलाया और लिखा वो झट से अपने पिता को अपने नाव मजदूरों के साथ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो गए। अब्राहम को जब दूध दिखाई दिए बाइबल कहती है वो सारा के तंबू में गया, उसने कहा फूर्ती कर, फूर्ती फुलके बना, जल्दी सब्जी बना, इनको खिलानी है दूतों को। फूर्ती, एक नॉनसेंस व्यक्ति जिसको कोई सेंस नहीं वो हमेशा ढीली बातें करेगा, उसका काम भी ढीला, उसकी बातें भी ढीली, स्पिरिचुअल लाइफ भी ढीली, सब कुछ ढीला, खत्म, फिनिश। जो आत्मिक व्यक्ति होगा उसे मालूम होगा कि इस काम में थोड़ा खींचना है, ये टाइम रोजे रखने का है, ये टाइम जरा स्ट्रॉन्ग प्रेयर करने का, खींच के थोड़ा ऑफरिंग बोने का, ये टाइम थोड़ा फुर्ती। कहता फुर्ती से जब तुम मेमने को खाना आलस मत वर्तना, इसे फुर्ती से खाना, ढिलाई मत बरतना, फुर्ती करना, डिसीजन लेने में देर मत लगाना, खुदा के लिए कुछ करने में देर मत लगाना, सोचना मत बार बार, और फुर्ती करना, पाप छोड़ने में फुर्ती करना, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने में फुर्ती लेना, बपतिस्मा लेने में फुर्ती करना, झट से बपतिस्मा लेना, झट से तौबा कर लेना, झट से फुर्ती से खाना। तुम मेमने को अगर ढीले ढाले खाओगे तो तुम्हारा छुटकारा देरी से होगा, मिस कर दोगे तुम छुटकारे को, और अगर तुम मिस कर दोगे तो परमेश्वर को कोई दुख नहीं है, क्योंकि 380 390 करोड़ उस छुटकारे का आज आनंद ले रहे हैं। अगर एक उसमें कम हो जाएगा तो उसी एक का नुकसान है, परमेश्वर का कोई नुकसान नहीं। जब तुम मेमने को खाना तो उसने क्या कहा, खाने की विधि है कमर बांधे हुए खाना। मसीह में हमारी कमर कौन सी है? अपनी अपनी कथा बुद्धि की क्या कस लो, कमर कस लो। और अगर आप इसने आपने सुना और फॉलो किया आप खुद आओगे रिजल्ट लेके, वहां खड़े होंगे आप टेस्टिमनी के लिए। आज मुझे ये वचन प्रैक्टिकली मालूम नहीं था आज से 17-18 साल पहले, लेकिन जब भी बपतिस्मे का जिक्र होता था हम अपने 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 लोगों से पूछते थे आप मुझे कब बपतिस्मा दोगे। तब आज की तरह नहीं होता था, बपतिस्मे देने के लिए 2 महीने की वेटिंग चल रही, 1.5 महीना वेटिंग चल रही, 1.5 महीने में 30-35-40 लोग इकट्ठा होंगे तो उनको खेतों में ले जाकर ट्यूबवेल की मोटर ऑन करके वहां बपतिस्मे दे के आते थे। तो पहले लोग इकट्ठा होते थे 30-35 हो जाएं, और फिर बपतिस्मा सर्विस होती थी, बताया जाता कि इस दिन बपतिस्मे होंगे और सब लोग बपतिस्मा लेने के लिए जाते थे। और तब मैं एक्साइटेड था मसीह में, मैं 16 अगस्त में आया हूं और 2 अक्टूबर के करीब मेरा बपतिस्मा था। कितने टाइम लगा मेरे को, 1.5 महीना, और मैंने लोगों को 5-5 साल, 4-4 साल, 3-3 साल सोचते हुए देखा कि मैं बपतिस्मा लूं या ना लूं। ये तो बहुत कहते अंबानिया की दौलत पई है ना, कहते बपतिस्मा लेके निकल जानी हथों, पता नहीं क्या सोचते लोग कि बहुत कहते 15 टन सोना पैड़ा हथों निकल जाना। कितने समझ रहे हैं, अपने 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 लोगों को पूछना क्या बपतिस्मा कब है, ये बपतिस्मा क्या होता है, किसी ने बताना अच्छा ये होता है, कब दोगे मुझे अभी लेना है, अभी दे सकते हो, नहीं बाद में होगा, ठीक है। 1.5 महीना भी हमें लगता था कि यार 1.5 महीने बाद बपतिस्मा लिया, मसीह में आने के बाद हमें ये भी ज्यादा लगता था कि 1.5 महीना लग गया हमें बपतिस्मा सोचते हुए बपतिस्मा लेना है। मैं वो गारंटी देता हूं अगर बपतिस्मे हर संडे होते तो शायद मुझे 15 दिन 20 दिन 21 दिन लगते बपतिस्मा लेने में, बस दैट्स इट। और जैसा जैसे वो लोग थे शायद पहले हफ्ते ही दे देते मेरे को, क्या काका डोबिए तेन,
मसीह के प्यार में है। आमेन। उसने कहा जब तुम मेमना खाना तो कैसे खाना, फुर्ती से खाना। कोई डिसीजन प्रभु के लिए लेना है उसमें जल्दी करना, डिले मत करना। तुम्हारे सोचने से पहले यीशु मसीह आ जाएंगे। जितना तुम सोच भी नहीं सकते उससे जल्दी काम हो रहे हैं, जितना हमने सोचा था उससे कहीं अधिक फास्ट टाइमिंग में दुनिया का माहौल चेंज हो रहा है, हाँ या ना। महामारियां जितना सोचा था उससे पहले आ रही, सूखे उससे पहले पड़ रहे। यूरोप पूरा सूखा हुआ, आप देखोगे न्यूज में पढ़ के देखना, पूरे यूरोप में सूखा पड़ा हुआ। अमेरिका जहां मैं होके आया हूं वहां मुझे बताया गया कि पिछले 8 साल से बारिश नहीं पड़ी, और पूरे जहां मैं कैलिफोर्निया में गया हूं पूरी पीली और सूखी हुई घास दिखाई देती रही है मेरे को, कैलिफोर्निया साइड। दुनिया उतनी तेजी से बदल रही है जितना आप सोच भी नहीं सकते। आने वाले टाइम में फूड शॉर्टेज होगी, लोगों को मालूम भी नहीं ऐसा होगा। आने वाले टाइम में वो जितना माहौल जल्दी से बदल रहा है, परमेश्वर ये चाहता है कि आप फुर्ती करें जो भी करना है। आमीन। फुर्ती से खाना, मेमने को डिले मत करना, फुर्ती से खाना, जल्दी से खाना। मसीह के लिए कोई भी डिसीजन लेना है, फैसला लेना है, उसे देर मत करना, उसे जल्दी करना। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंचों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।